सुनी हो शायद कि हम हर बार हम वोट देते थे एमएलए को। एमएलए अपनी जगह है, वो भी मैं पहले भी बोल चुका, जब मैं चुनाव कल भी बोला हूँ, परसों भी बोला हूँ कि अच्छे आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, मगर फिर भी जो काम एमएलए नहीं कर पाता वो सीएम तो कर सकता है। इसलिए हमने डायरेक्ट सीएम से अपनी सबकी बात हुई और सीएम साहब ने 20 लोगों की मौजूदगी में ये कहा है, बोला ये काम यहाँ हुए ही नहीं, ये तो मैंने पिटारा खोल रखा इन कामों का। मैंने कहा साहब हम तक नहीं पहुंचे ये काम, अब हम आपसे आशा करते हैं हमारे काम करा दो। और सीएम साहब ने बिल्कुल हल्के से कहा है, बोले ये कोई काम है क्या, ये कोई शर्तें, ये तो होने चाहिए और ये होंगे इंशाल्लाह। और भाई चुप करो, और भाई ने क्या खा लिया। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सीएम साहब हमारे मुखिया हैं, अभी तक सीएम ही हैं और आगे भी वही बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सीएम साहब जो आए हैं आज, ये पप्पू भाई के नहीं आए, वो आप सबके आए। मैं इतना पावरफुल या इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, अगर आप लोगों का मेरे साथ साथ नहीं हो तो मुझे कोई भी नहीं पूछे। लेकिन आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है और जो भी कदम उठाए हैं और जो भी आज उठाया है, आपसे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, मगर मेरा अल्लाह जानता है ये कदम आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। फिर कह रहा हूँ, एक बार आपने सुनी हो शायद कि हम हर बार हम वोट देते थे एमएलए को।